हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम करेंगे एलजेब्रा के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ जिनको करना एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल होता है, लाइक 30-40 सेकंड में आप कर पाएंगे। और अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ गया तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप लेकर आता हूँ। सो एक बार ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये ज़रूर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी एग्जाम में कर पाएंगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है या फिर आपने पहले कभी किया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर देखेंगे तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दें या ये भी हो सकता है कि आप इसको छोड़ ही दें, ठीक है। सो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ़ 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 75 की पावर z, देन वॉट इज 4xy/2x+y। ये इसके ऑप्शन हैं, ठीक है। इसमें से आपको बताने की क्या इसका आंसर होगा। सो देखिए, जब हमें दिखें कि ऑप्शन हमारे वेरिएबल फॉर्म में हैं, ठीक है, जैसे z की फॉर्म में सारे ऑप्शन हैं, तो क्या अप्रोच रहेगी इस टाइप के क्वेश्चन की, आप समझिए। आप ये समझिए कि भाई z की ही फॉर्म में सारे मेरे ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस इक्वेशन, आपको पता है ये एक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन के अंदर 3 इक्वेशन है। एलजेब्रा में ऐसा होता है काफ़ी जगहों पे। सो इसकी मदद से मुझे इस पूरे का कोई जेड में रिलेशन निकालना है, ठीक है, ये हमें करना है काम, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही यूनो बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बस ये है कि देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सो देखिए पहला स्टेप क्या है, आपने लिखा 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर y इज इक्वल्स टू 75 की पावर z बराबर k। भाई किसी के बराबर मान लेंगे, ठीक है, यानी k की पावर 1 है बेसिकली यहाँ पे, तो k। तो आप देखिए इंडिविजुअली हम इनको कैसे अलग अलग लिखेंगे। आप ऐसे समझिए कि ये जो 3 की पावर x है, ये जो 3 की पावर x है ये बराबर k है, ऐसी सिमिलरली ये 5 की पावर y है ये भी बराबर k है, और जो 75 की पावर z है ये भी बराबर k है। क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन निकालना है xyz में, तो मैंने इसलिए इन सबको k के बराबर मान लिया और मैं k की मदद से ही कोई रिलेशन निकालूंगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ से मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हैं k की पावर 1 है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं लिखा x2 = 2, तो आपको पता होगा x√2 होता है, यानी 2 की पावर हाफ, यानी ये जो पावर होती है यहाँ पर आके फ्रैक्शन में चली जाती है, यानी डिनोमीटर में जाती है, ये बात पता है। ये एक एग्जाम्पल है, कहीं इसको आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर लें, ठीक है, कि ऐसा होता है, बेसिकली कंसेप्ट है ये। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे k की पावर 1/x, ठीक है, ये मैं अलग से ऐसे, ये 3 मैंने अलग अलग इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पे। ऐसी यहाँ पे मैं 5 को लिख सकता हूँ k की पावर 1/y, और 75 को मैं लिख सकता हूँ k की पावर 1/z। बात यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही आसान सी मैंने बात समझाई। बेसिकली जो सर्टेन इंडिसेस वाले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उन्हीं का मैंने अभी इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, ये 3 है 5 है 75, आप समझेंगे 75 क्या होता है, 25 × 3, यानी 5 है 3 है, 25 नहीं है, तो 25 बना सकते हैं ना 5 से, हम बिल्कुल स्क्वायर कर देंगे इस वाली इक्वेशन का। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, k की पावर 2/y, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया मैंने, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो एक इक्वेशन है ये, इसको मैं नाम देता हूँ 1, एक इक्वेशन है इसको मैं नाम दे रहा हूँ 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, यानी दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप जानते हैं क्या बनेगा, 25 बनेगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 75। ये किसके बराबर आएगा, k की पावर 2/y × k की पावर 1/x के। आपको पता होना चाहिए सर्ट्स का बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। जैसे जो 75 है, ठीक है, ये प्रॉपरली लिख देता हूँ, जो 75 है ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 2/y + 1/x के, ठीक है, पावर में। और आपको पता है कि ये 75 और किसके बराबर, ये तो मेरा k की पावर 1/z के बराबर भी है, तो इसी को मैं k की पावर 1/z के बराबर रख लेता हूँ। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो बेसिस हैं उनकी लाइक वेरिएबल फॉर्म में अगर पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए k की पावर 2/y + 1/x लिखिए और यहाँ पे k की पावर 1/z लिखिए, तो इसको मैं कंपेयर कर लूँगा, है ना। तो ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे, लेट्स टेक अ ब्लू कलर, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। सो अब देखिए, ये k की पावर 2/y + 1/x और ये k की पावर 1/z, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2/y + 1/x = 1/z, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा
टू एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई एक्स, ठीक है, टू एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई एक्स बराबर वन बाय जेड, यानी जेड की यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, वाई एक्स अपॉन में टू एक्स प्लस वाई। अब आप गौर से देखिए, जो मेरे से पूछा गया था वो क्या पूछा गया, फोर एक्स वाई अपॉन में टू एक्स प्लस वाई। सो बेसिकली जो हमें फाइंड करना है वो इसका फोर टाइम्स फाइंड करना है, यानी जो फोर वाई एक्स अपॉन में टू एक्स प्लस वाई है वो बराबर हो जाएगा फोर जेड के, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, कुछ बेसिक कंसेप्ट थे सर्टेन इंडिसेस के जिनका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और थोड़ा सा अपने दिमाग की खुराफात यूज़ करिए। सो क्या क्या देखिए, हमने क्या किया, थ्री की पावर एक्स बराबर फाइव की पावर वाई बराबर 75 की, और जेड को के बराबर रखा, पहले हमने ये काम किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, के बराबर नहीं रखते और इन्हीं को आपस में कंपेयर करते रहते हैं ना, यहीं से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ऐसे नहीं होगा सवाल। फिर हमने क्या किया, के बराबर रखे तो थ्री इजिकल्स टू के की पावर वन बाई एक्स लिखा, फिर फाइव इजिकल्स टू के की पावर वन बाई वाई लिखा, देन 75 इजिकल्स टू के की पावर वन बाई जेड, देन सिंपली इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई किया वन और टू को, और फिर सब इक्वेट कर दिया। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रीप्ले कर लीजिए, वीडियो का फायदा यही है कि आप वापस से पीछे जाके सब कुछ समझ सकते हैं, यानी मेरे दोबारा समझाने की इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर मैंने समझा दी जितना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जाने के लिए अपना। हाँ, एक सजेशन मेरे को चाहिए आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर इसके बारे में। मैं सोचता था क्यों ना अब हम चैप्टर वाइज एक सॉल्यूशंस की वीडियो लाते रहे, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो, लाइक जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, तो उसके एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी चैनल पे, और उसमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे, यानी चैप्टर वाइज आपको भी जो क्वेश्चन है मिला करेंगे, ठीक है। तो लगभग जितने भी हमारे चैप्टर सबकी अपनी एक एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो दैट जो पूरी एक प्लेलिस्ट है बहुत बड़ी सी क्वेश्चन सीरीज़ की, उसमें से आपको कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन ढूंढना चाह रहे हैं, सब क्वेश्चंस कंबाइंड है, वहाँ पे मिलता नहीं है, तब बताइएगा क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जाने के अपना। एंड हाँ, अगर पहली बार चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो, और हम बहुत ही जल्दी रेगुलर क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जाने के अपना, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स।